भुवनेश्वरी रहस्य, एक अत्यंत गोपनीय और पवित्र ज्ञान जो महादेव और पार्वती के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। वेदों और पुराणों में महादेव ने इस रहस्य का उल्लेख किया है और इसके महत्व को समझाया है। महादेव ने माता पार्वती को इस मंत्र के बारे में बताया और समझाया कि कैसे यह मंत्र संसार की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति प्रदान कर सकता है। भुवनेश्वरी मंत्र का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख स्थान देवी उपासना में है, जहां इसे सर्वोच्च महत्व का माना गया है। यह मंत्र माया बीज और नमा संयोग से बना है, जिसे चतुर्दश भुवनों में एकाक्षरी विद्या के रूप में जाना जाता है। इस मंत्र की महिमा इतनी है कि इसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन में हर खुशी आपको ला कर दे सकता है, और आपको इस बात को हम नहीं कह रहे, स्वयं महादेव जी ने कहा है। माता भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम, जिसके बारे में आपने यही सुना होगा कि ह्रीम मंत्र का जाप करने से आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन हम आज इस मंत्र के बारे में कुछ ऐसे रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। इस मंत्र के जप करने से आपके सारे दुख दर्द चले जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, क्योंकि इस विद्या का प्रमुख कार्य यही है कि यह अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लेकिन सिर्फ ह्रीम मंत्र से नहीं, इसके साथ आपको थोड़ा कुछ और अलग से करना होता है। अगर कोई व्यक्ति माँ भगवती के बीज मंत्र का रोज जाप करता है और भोजन को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके ग्रहण करता है, तो उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और भोजन को अभिमंत्रित करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हाथ में जल लेके इस मंत्र को जपते हुए अपनी थाली के चारों ओर घुमाते हुए माता भगवती को याद करना है, और उस भोजन में से एक टुकड़ा निकालकर बाहर रखकर आपको भोजन करना है। आपको कुछ ही दिनों में इसका असर स्वयं दिख जाएगा। श्रोताओं, आज हम अपनी उन सारी रहस्यमय विद्याओं को भूल चुके हैं जिनके सामने कोई भी विज्ञान टिक नहीं सकता। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी के भाग्य बदलने की ताकत रखता हो, लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आज उनमें से ही हम इस सबसे शक्तिशाली विद्या के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वास्तव में यह रहस्य दुनिया में किसी भी व्यक्ति के भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में आज भी ऐसे रहस्य हैं, ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो किसी भी इंसान का भाग्य बदल सकती हैं और कोई भी मनोकामना हो पूरी कर सकती हैं। आज के इस आधुनिक युग का विज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों की विद्या के सामने एकदम बौने की तरह दिखाई पड़ता है। हमारे इन ग्रंथों में ऐसी ऐसी रहस्यमय विद्याएं हैं जो किसी भी गरीब व्यक्ति को राजा बना सकती हैं। साधकों, हमारी प्राचीन वेद और ग्रंथ हमारी जड़ें हैं और हमें इनसे जुड़े रहना ही होगा। देखिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विद्या, क्रिया या साधना या फिर तकनीक, आप जो भी इसे समझें, ये साधना कुछ ही समय में किसी के भी संपूर्ण जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। हमारा उद्देश्य आपको आपकी जड़ों से अवगत कराना है, ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें और स्वयं को मजबूत, स्वस्थ, शौर्यवान, निरोगी बना सकें। हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ज्ञान सभी लोग जान सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। श्रोताओं, ये जानकारी प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, तो ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जानकारी पूरी तरह एकदम सटीक है।
इस विद्या के बारे में स्वयं महायोगी भगवान भोलेनाथ ने अपने ग्रंथ कपाल वेदी में कहा है कि इन साधनों को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति के पास स्वतः ही लक्ष्मी का अजस आगमन होने लगता है। उस व्यक्ति को चिंता यह नहीं होती कि वह धन कैसे कमाए, परंतु चिंता इस बात की होती है कि वह उस धन को खर्च कैसे करे। यह एक ऐसा रहस्य है जो कि आपके जीवन में हर खुशी आपको लाकर दे सकता है। और इस बात को हम नहीं कह रहे, यह बात स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताई। माँ ने महादेव जी से कई बार विनती की, उसके बाद ही कहीं जाकर महादेव ने इस रहस्य को बताया था, क्योंकि यह रहस्य अत्यंत गुप्त और चमत्कारी है। माँ भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में महादेव माता पार्वती से कहते हैं, यह विद्या संपूर्ण सुखों को देने वाली है तथा इस क्रिया को करने वाला अभागा मानव भी भाग्यवान हो जाता है। जो दुख में फंसा है उसे सुख प्राप्त हो जाता है। यह संसार में सौभाग्य प्रदात्री है। इस विद्या के स्मरण मात्र से ही आठों सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। गरीब धनी हो जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है, मूर्ख और अनपढ़ विद्या प्राप्त कर लेता है। जिन जिन सिद्धियों को साधक चाहता है प्राप्त कर लेता है। इस विषय में यह कथा भी प्रचलित है कि भगवान राम जब पुनः राज तिलक के लिए बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा था, हे राम, इस जगत में दरिद्र व्यक्ति के लिए अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, परंतु जो संपन्न है, धनवान है, उनसे तो पराये लोग भी अपनों जैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए हे राम, धनवान और वैभव युक्त बनो और इस कार्य हेतु महामाया भुवनेश्वरी की साधना संपन्न करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। अगर अटूट और कभी ना खत्म होने वाली संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो बस एकमात्र यही रास्ता है। और यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम राज्य कितना संपन्न और हर्ष युक्त रहा है, और यह सब भुवनेश्वरी साधना से ही हो सका। जब अर्जुन ने अपने गुरु ततातीत्र्य से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछा तो वो बोले, अगर तुम वास्तव में इन दोनों के लिए उत्सुक हो तो बाकी सब विधान छोड़ दो और मात्र महामाया भुवनेश्वरी की साधना करो, जिससे तुम्हें यह सब सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके लिए इंद्र का सिंहासन भी कोई मायने नहीं रखता। वह धनवानों में महाधनवान, योगियों में महायोगी, ज्ञानियों में महाज्ञानी कहलाता है। इस साधना के उपरांत व्यक्ति के सभी चक्र जागृत होने की अवस्था में आ जाते हैं। समाज में उस व्यक्ति को पूर्ण सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन युक्त और परम ज्ञानी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई अन्य व्यक्ति निहार भी ले तो फिर बार बार उसे उनसे मिलने की इच्छा उठती रहती है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु ठीक पीपल के पत्तों के समान कंपायमान रहते हैं और उसके सामने समर्पण भाव में उपस्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान, ज्योतिषी, हस्त विद्या में पारंगत हो जाते हैं। साधकों, अगर आप माँ आदि शक्ति को मानते हैं तो ही आगे इस वीडियो को पूरी देखें, अन्यथा वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो अपने इष्ट को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। माँ भुवनेश्वरी साधना में सफलता प्राप्त करने वाला साधक चाहे किसी भी क्षेत्र में उतर जाए, चाहे वो चिकित्सा हो, राजनीति हो, कला हो, विज्ञान हो या आध्यात्म हो, वह उसमें विशेषता प्राप्त करता ही है। माँ भुवनेश्वरी साधना का अर्थ है साधक समस्त प्रकार के भौतिक उन्नति को प्राप्त करता हुआ साधना के उच्चतम सोपान को प्राप्त करता है। भगवती माता त्रिनेत्र स्वरूप हैं, अर्थात उनको नेत्रों द्वारा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने हेतु कहा गया है। समस्त योनियों में उन्हें पोषण करने के फलस्वरूप वरदा कहा गया है।
तथा उनके हाथ में सुशोभित अंकुश शासन शक्ति के प्रतीक हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस चमत्कारिक क्रिया की साधना को करना कैसे है। यह बहुत छोटी सी क्रिया है लेकिन प्रभावशाली है। आपको इसे एक अनुष्ठान की तरह संपन्न करना है। हम आपको सारे नियम आगे बताने जा रहे हैं। यह साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के समय कर सकते हैं और इसे आपको 21 दिन तक लगातार करना है। जब आप इसे करें तो आप कोशिश करें कि आपका मुख साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व की ओर रहे, और जब आप इसे करें तो आप किसी को इस साधना के बारे में बिल्कुल ना बताएं। इसे आपको गुप्त रखकर ही करना है। हाँ, अगर आपको किसी को बताना भी पड़े तो आप कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन इस मंत्र और साधना के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना और ना ही अपनी इच्छा के बारे में बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको इस साधना को शुरू करने से पहले एक छोटा सा संकल्प लेना है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको अपने राइट हैंड में एक चम्मच से थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़े से चावल और फूल रख लेना है और माता व शिवजी का ध्यान करते हुए आपको ऐसे बोलना है, मैं यानी आपका नाम, फिर आपका गोत्र, फिर जन्म स्थान और मैं इस जगह पर रहता हूँ। मैं आज से यानी तारीख, महीना और साल को बोलना है। को अपनी इच्छा के लिए यानी आपको अपनी इच्छा बोलनी है। 21 दिन तक एक माला करने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस अनुष्ठान को पूरा करूँगा। अब आपको हम वो मंत्र बताने जा रहे हैं जो आपको रोजाना 21 दिनों तक एक माला करना है, और वो मंत्र है, ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। आपने आज तक सिर्फ एक एकाक्षरी शब्द के बारे में सुना होगा, लेकिन वो कितना काम करता है ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जो मंत्र हमने आपको आज दिया है इसके बारे में खुद महादेव जी ने व्याख्या की है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये मंत्र आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव आपको तब पता चलेगा जब आप इसे करना स्टार्ट करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। ये मानकर चलिए कि अन्य कोई मंत्र इस मंत्र के जैसा अतिशीघ्र प्रभाव देने वाला है ही नहीं। इस मंत्र की जाप करने की विधि को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको इस मंत्र का जाप करने के लिए माता की एक तस्वीर और एक महादेव जी की तस्वीर लेनी है, या फिर आप शिव परिवार की तस्वीर भी ले सकते हैं। और आपको याद रखना है कि बिना महादेव के यह मंत्र, यह पूजा कभी सफल नहीं होगी। इसलिए आप महादेव जी का नाम लेंगे। एक माला महादेव के मंत्र की यानी ओम नमः शिवाय की जरूर करनी है, उसके बाद ही मंत्र का जाप शुरू करना है। आपको रोजाना कम से कम एक माला इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और अगर आप एक माला से अधिक कर सकें तो ये और भी अच्छा है। लेकिन जितनी गिनती से शुरुआत करें फिर रोजाना उतनी ही गिनती की माला करनी होगी। इसलिए अच्छे से सोच समझकर जाप करना शुरू करें। इसे किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे ये रात में सबसे अच्छा होता है क्योंकि दिन में काफ़ी काम होते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय सुनिश्चित कर लीजिएगा, रोजाना उसी समय करना है। सबसे अधिक जरूरी नियम यह है कि इसमें आपके किसी गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप शिवजी भगवान को अपना गुरु मानकर इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। साधकों, इस साधना में एक और जरूरी बात है कि आपके साथ आपका होना, मतलब जब आप इस साधना को करें तो आपका मन कहीं और ना हो। आपके मन में इस विद्या के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी यह फलदायी होगी, अन्यथा नहीं होगी।
किसी भी साधना की सिद्धि के लिए गुरु और मंत्र का विश्वास होना अति आवश्यक है, तब ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। साधकों, आपको इस बात को अच्छे से समझकर चलना है कि आप आदिशक्ति की पूजा प्रार्थना पर ध्यान करने जा रहे हैं। इन्हीं माता की शक्ति से ये सारा जग चलायमान है। आप इस साधना की प्रक्रिया को अपनी समझ के साथ करें, क्योंकि इस प्रक्रिया में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। माँ भुवनेश्वरी, महामाया, आदिशक्ति सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी कभी नहीं छुपा है। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, शुद्ध विचारों के साथ आप इसे करना स्टार्ट करें। किसी का बुरा करने की सोच से बिल्कुल ना करें। आप जैसे ही माँ का ध्यान करते हैं, वो आपकी जरूर सुनती हैं, इसमें कोई शक नहीं। साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वो सनातन 11। तो चलिए, मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।